नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। फार्मा नॉलेज एपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो फार्मास्यूटिक्स से दोस्तों डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। बोर्ड की एग्जाम करते करते समय दोस्तों आप लोग बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ ही एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन का दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आप आसानी से दोस्तों एग्जिट एग्जाम जो लागू हुआ है उसको आप क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक के बारे में। आप देख सकते हैं 1 पाउंड एपोथेकरी इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर होता है दोस्तों, 700 ग्रेन के बराबर होता है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू के बारे में। एम्प्यूल्स जनरली कंटेन दोस्तों क्या करता है, सिंगल डोज को कंटेन करता है। सिंगल डोज मीन्स आप एक ही बार में उसको यूज कर लेंगे। बात करते हैं दोस्तों प्लास्टिसाइजर आर एडेड इन प्लास्टिक प्रोवाइड, जो प्लास्टिसाइजर प्लास्टिक में ऐड किया जाता है दोस्तों किसके लिए किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार के बारे में। विच मील इज यूज फॉर साइड रिडक्शन ऑफ फाइबरस मटेरियल, जो साइड रिडक्शन दोस्तों होता है फाइबरस मटेरियल का, उसमें कौन सा मील दोस्तों यूज किया जाता है, कटर मील दोस्तों यूज किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों बाल मील वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो दोस्तों ये एट्रिजन एंड इम्पैक्ट पे कार्य करता है। बात करते हैं दोस्तों माइक्रोमीटर डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो माइक्रोमीटर है दोस्तों यूज किया जाता है स्मॉल पार्टिकल के लिए। बात करते हैं दोस्तों विच फिल्टर 7 के बारे में। विच फिल्टर यूज टू फॉर बैक्टीरिया फिल्ट्रेशन के लिए, कौन सा फिल्टर दोस्तों यूज होता है, इसका हिंदी में मतलब है, उसके लिए दोस्तों यूज करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर सी, आंसर इसका हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच क्रूड ड्रग इज केप्ट, जो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा मैसिरेशन एंड पर्कुलेशन प्रोसेस, जिसमें दोस्तों जो क्रूड ड्रग रखा जाता था एक्सट्रैक्शन के लिए, केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ मिस्टम, वो मिस्टम मतलब क्या कहलाता था दोस्तों, उसको बोलते थे दोस्तों मैसिरेशन, मैसिरेशन प्रोसेस में। बात करते हैं दोस्तों बेलाडोना टिंक्चर इज प्रिपेयर्ड बाय पर्कुलेशन ड्यू टू इट्स थेरेप्यूटिक वैल्यू, आप दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। द ड्रग ड्रग एंड मिस्टम रेशियो टिंक्चर, जो ड्रग और मिस्टम का दोस्तों रेशियो, जो ड्रग एंड मिस्टम का दोस्तों रेशियो होता है वो कितना होता है, आप लोग देख सकते हैं 1:4 होता है, बी इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 11 के बारे में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट ऑफ सेपरेटिंग, इसको दोस्तों मिजिबल लिक्विड, आंसर इसका ए हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। इन विच ड्रायर ड्राइंग टेक प्लेस एट वेरी लो टेम्परेचर, इन विच ड्रायर ड्राइंग टेक प्लेस एट वेरी लो टेम्परेचर, इसमें दोस्तों ए सही हो जाएगा, सब्लिमेशन ड्रायर। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सीरा आर यूज टू प्रोवाइड, जो होता है दोस्तों आर्टिफिशियल पशु इम्यूनिटी के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लगातार अगर 2-3 बार देखेंगे तो आसानी से आपको क्वेश्चन सब याद हो जाएगा, दिमाग में दोस्तों सेट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों द लैक ऑफ एबिलिटी टू रजिस्ट इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं दोस्तों ससेप्टेबिलिटी, ये सही हो जाएगा इसमें। बात करते हैं दोस्तों टेबलेट और फिल्म कोटेड, जो टेबलेट होता है दोस्तों फिल्म कोटेड जो उसमें लगा हो तो क्या होता है, कौन से केमिकल दोस्तों होते हैं या फिर कौन से कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, वो होते हैं हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। विच वन ऑफ दिस सबस्टेंस कैन बी डायरेक्टेड कंप्रेस्ड इनटू टेबलेट, कौन सा सबस्टेंस है दोस्तों डायरेक्ट हम कंप्रेस्ड करके उसको बनाते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों एस्पिरिन। बात करते हैं दोस्तों स्लगिंग इज रिलेटेड टू, जो स्लगिंग है उसका रिलेशन किससे दोस्तों, उसका रिलेशन है ड्राई ग्रेनुलेशन से, इसमें सी सही दोस्तों, सी सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज फिल्टर टू, दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट का जो फिल्टर है दोस्तों किसके द्वारा फिल्ट्रेशन किया जाता है, वो होता है दोस्तों ग्लास वूल के कारण। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। वाटर अटैक टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एल्कलिनिटी टेस्ट, दोस्तों एक वाटर अटैक टेस्ट होता है उसको किसके लिए आइडेंटिफाई
किसको आइडेंटिफाइड करने के लिए दोस्तों किया जाता है, वो किया जाता है टाइप टू ग्लास के लिए। आप लोगों ने ग्लास पढ़ा होगा तो फर्स्ट ईयर में है दोस्तों, बी सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों बीस के बारे में, सैकरीन सोडियम इज यूज, जो सैकरीन सोडियम है दोस्तों यूज होता है कहाँ पर यूज होता है, वो तो स्वीटिंग एजेंट के लिए दोस्तों। सैकरीन मतलब चीनी में जो दोस्तों पाया जाता है, मिठास के लिए आप सिरप में यूज करते हैं। बात करते हैं दोस्तों विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन इन्फॉर्मेटिव रिगार्डिंग द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ डोजेस फॉर्म, विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एंड टाइप क्वालिटी डोजेस ऑफ फॉर्म। जो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिस्क्रिप्शन सेकेंड ईयर में है, अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो इंस्क्रिप्शन होता है दोस्तों उसमें ही सब कंटेंट लिखा जाता है, वो बी सही हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों 22 के बारे में, द लैटिन वर्ड पेल्विस कंस्प्रेसर कंस्पेरस दोस्तों इज यूज फॉर, जो होता है दोस्तों किसके लिए यूज होता है, डस्टिंग पाउडर के लिए यूज होता है। बात करते हैं दोस्तों 23 के बारे में, विच ऑफ दीज इंग्रेडिएंट यूज इन डस्टिंग पाउडर शुड बी स्टरलाइज, जो दोस्तों पाउडर इंग्रेडिएंट डस्टिंग पाउडर में जो यूज होता है स्टेराइड होता है उसको क्या बोलते हैं, केवलिन बोलते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों केटाप्लाज्मा इज रिलेटेड टू पॉलिटिस, दोस्तों इसका भी सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 25 के बारे में, लेमन स्पिरिट यूज फॉर मिक्सचर, जो लेमन स्पिरिट होता है दोस्तों किसके लिए यूज होता है, वो होता है दोस्तों फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, आप लोग भी जानते होंगे। बात करते हैं दोस्तों 26 के बारे में, व्हाट इज द वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप, जो दोस्तों सिंपल सिरप में जो वेट बाई वॉल्यूम होता है उसके वो कितना होता है, ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, 66.7 होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बात करते हैं दोस्तों 27 के बारे में, व्हीकल प्रेजेंट इन द लिंक्टस, जो लिंक्टस में दोस्तों जो भी व्हीकल जो भी वाहक यूज होता है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको सिरप ही बोलते हैं। बात करते हैं दोस्तों 28 के बारे में, द लेबल चेक वेल बिफोर यूज इन इंडिकेट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग, दोस्तों आप लोगों ने जो सिरप देखा होगा उसमें लिखा जाता है लेबल चेक वेल बिफोर यूज, ये दोस्तों क्यों लिखा जाता है, उसमें जो डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट होते हैं दोस्तों वो सेटल डाउन रहते हैं, अगर उसको आप चेक कर देंगे तो फिर से डिस्पर्स मीडियम में हो जाता है, ताकि सब दवा आसानी से आपस में डिस्पर्स होकर दोस्तों मिल जाए, तो उसमें इसका सही है दोस्तों डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट हो। बात करते हैं दोस्तों 29 के बारे में, पैरासिटामॉल इलिक्जर इज मैजेंटा रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंट विच कलरिंग एजेंट, जो दोस्तों पैरासिटामॉल इलिक्जर होता है वो रेड कलर का होता है आप लोग, वो किसके कारण होता है, वो होता है एमरंथस के कारण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में दोस्तों, विच थिकनिंग एजेंट इज इनऑर्गेनिक इन नेचर, कौन सा थिकनिंग एजेंट जो जिसका नेचर जो दोस्तों है इनऑर्गेनिक टाइप का है उसको बोलते हैं दोस्तों बेंटोइन। दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन, आप लोगों ने वीडियो देख लिया 30 क्वेश्चन का था दोस्तों, आप एक दो बार इसको देखिएगा आसानी से सब याद हो जाएगा। अभी एग्जिट एग्जाम दोस्तों बहुत दिन है, आप धीरे धीरे तैयारी करते रहिएगा जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। दोस्तों ये ऐसे मेरा हर सब्जेक्ट का फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स हर सब्जेक्ट का दोस्तों ऐसे सीरीज चलेगा, आप लोग चैनल नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करिएगा जरूर। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।